गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार। मैं फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिनमें बहुत सारे वर्ड्स आपको बताए जाएंगे और उन सभी वर्ड्स की जो हिंदी है ना वो एक ही आने वाली है, लेकिन आप अक्सर कन्फ्यूज रहते हो कि एक ही हिंदी के तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, आठ आठ अंग्रेजियाँ जो हुआ करती है उनके यूजेस कहाँ किस प्रकार से किए जाएँ, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला, यहाँ पर आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ की जो अक्षरें हैं ना वो कट रही होंगी क्योंकि थोड़ी सी स्टेन में कमी है इसलिए। सो यहाँ लिखा हुआ है कन्फ्यूजिंग पॉइंट। कन्फ्यूजिंग पॉइंट पर मैं बहुत सारी वीडियोज आपको दे चुका हूँ और ये शायद चौथी वीडियो है। ओके, तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट और स्विम। फ्लोट मीन्स भी तैरना और स्विम मीन्स भी तैरना। दोनों में एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब कभी भी कोई निर्जीव चीज़ तैरती है ना पानियों में तो हम वहाँ पर फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ए लीफ इज फ्लोटिंग इन द रिवर, एक पत्ती नदी में तैर रही है। तो पत्ती तो नॉन लिविंग है ना, निर्जीव है, इसलिए हमने फ्लोट का इस्तेमाल किया। और जब कोई इंसान, जब कोई सजीव तैरे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं नदी में तैर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम स्विमिंग इन द रिवर। मैं फ्लोटिंग का इस्तेमाल नहीं करूँगा बल्कि स्विम का इस्तेमाल करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि स्विम मीन्स तैरना और फ्लोट मीन्स भी तैरना। पर कंडीशन क्या था कि जब कोई निर्जीव चीज़ तैरे तो वो फ्लोट होता है और जब कोई इंसान तैरे तो वो स्विम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आगे से ये गलती आपसे शायद नहीं होगी और ये जो कन्फ्यूजन आपके अंदर बहुत दिनों से चल रही थी शायद वो भी रिमूव हो जाएंगी। अब दूसरे वर्ड की बात करें, ब्लो मीन्स भी बहना और फ्लो मीन्स भी बहना। वो सिस्टर वाली बहना नहीं है, है ना, एक हज़ारों में मेरी बहना है, आपने सुना होगा वो गाना। उसमें बहना की बात नहीं कर रहा हूँ, फूलों का, तारों का, सबका कहना है एक हज़ारों में मेरा बहना है। डैट इज़ नॉट डैट बहना, डैट सिस्टर। मैं बात कर रहा हूँ यानी बहने, बहने की बात कर रहा हूँ। बहने कहने का मतलब है जैसे कि हवा का बहना, पानी का बहना, खून का बहना। सो यहाँ पर ब्लो मीन्स बहना लेकिन हवा का बहना, है ना, और फ्लो मीन्स भी बहना लेकिन पानी का बहना। जैसे कि चलो एक उदाहरण लेता हूँ, इट इज़ ब्लोइंग वेरी हार्ड टुडे, इट इज़ ब्लोइंग वेरी हार्ड टुडे, आज बहुत जोरों की हवाएँ चल रही है। इट इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट, है ना, इट इज़ फ्लोइंग वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज़ बह रही है। अब मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बहुत तेज़ बह रहा है, मैं पानी की बात कर रहा हूँ, जल की बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी फ्लो का प्रयोग हो तो आप समझना कि बहने की ही बात हो रही है लेकिन पानी, कोई द्रव्य चीज़। और जब हवा बहने की बात आती है तब हम ब्लो का इस्तेमाल करते हैं। और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूँ कि ब्लो का मतलब बजाना भी होता है। आप ट्रंक के पीछे अक्सर देखते होंगे आप कि ब्लो हॉर्न लिखा रहता है, ब्लो हॉर्न, यानी ब्लो हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न बजाना भी, है ना, और वो चेतावनी भी रहता है, एक प्रकार की वार्निंग भी रहती है ब्लो हॉर्न लिख करके कि आप इसके पीछे हो तो थोड़ा सा बच करके रहो, थोड़ा सा सावधान रहो, कहीं सट मत जाना, है ना, और सट कर हट मत जाना। सो इस बात का ध्यान रखना होता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें, सीलिंग, रूफ और टेरेस, तीनों का मतलब होता है छत, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजनें होती रहती है कि किस छत की बात कब हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है जिस पे हम चल रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, पतंगे उड़ा रहे होते हैं और कभी कभी नीचे भी आ जाते हैं, है ना, तो जिस छत की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाले फर्श की, उसे हम रूफ कहते हैं, आर डबल ओ एफ, याद रहे। सीलिंग की बात करें तो जो पंखे लटकाए जाते हैं ना, जो नीचे छत के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो हमारी सीलिंग होती है, तभी तो उसका नाम हम देते हैं सीलिंग फैन, टेबल फैन, वॉल फैन। सो सीलिंग नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। अब टेररिस्ट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो शहर के हो, नगर के हो, केंद्र शासित प्रदेश के हो, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है गलत इस्तेमाल करते हुए टेररिस्ट को। पता है क्या सुना है मैंने? मैंने ये सुना है कि जब कोई छत पर रहता है ना तो कहता है कि मैं टेररिस्ट पर हूँ। अरे मेरे दोस्त, वो टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट छज्जे को कहते हैं, छत के सामने का जो एक भाग होता है, है ना, और शहरों में जो घरें बनाई जाती है, है ना, उन घरों के आगे काफ़ी यहाँ से वहाँ तक, थोड़ा सा स्पेस तक, कहने का मतलब एक भाग रहता है, उसको टेररिस्ट बोला जाता है। हम गांव क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के जो घर होते हैं उनमें टेररिस्ट बहुत कम निकाला जाता है, लेकिन शहरों में कुछ ज़्यादा निकलता है, तो उसे हम टेररिस्ट कहते हैं। जैसे कि ये एक छत हुआ और छत के बाहर जो छज्जा निकाला जाता है वो टेररिस्ट कहलाता है, और उसके बीच का जो भाग होता है वो रूफ होता है, उसके नीचे का जो भाग होता है वो सीलिंग होता है। तो आगे से उम्मीद है कि शायद आप इसमें गलती नहीं करोगे, सीलिंग भी छत, रूफ भी छत, टेररिस्ट भी छत। अब सबसे नेक्स्ट वाले की बात करें, सबसे अंतिम वाले की, बट नॉट द लिस्ट, लिसन, लिसन मीन्स भी सुनना और हियर मीन्स भी सुनना। लेकिन अक्सर आप कन्फ्यूज होते हो ना, कभी देखते हो लिसन, कभी देखते हो हियर। मैं आपको आज बता देता हूँ, इसका पर्दाफाश कर देता हूँ कि हियर कब होता है और लिसन कब होता है।
जब कभी भी कोई लैंग्वेज आप सुनते हो, गाने के रूप में सुने, गालियों के रूप में सुने, जो भी सुने आप, बस लैंग्वेज होनी चाहिए, भोजपुरी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, चाइनीज हो, एटसेट्रा, तो समझना कि वो लिसन का प्रयोग करना होगा वहाँ पर। जैसे कि मैंने उसे सुना था, आई लिसन्ड टू हिम या टू हर। एक बात और याद रखनी है कि लिसन के तुरंत बाद टू ज़रूर लगता है, क्योंकि यही एक नियम है कि जब भी लिसन के बाद ऑब्जेक्ट लगाना होता है तो टू ज़रूर आता है। जैसे कि मैं रेडियो सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग टू रेडियो। अब रेडियो सुनेगा तो कोई ना कोई भाषा में ही ना सुनेगा, या तो हिंदी की आवाज़ आ रही होगी, या भोजपुरी की आवाज़ आ रही होगी, बंगाली की आवाज़ आ रही होगी, जो भी आवाज़ें आए वो आवाज़ किसी ना किसी भाषा की ही होगी। मैं गाना सुन रहा हूँ तो गाना कोई ना कोई लैंग्वेज में होगा ना, सो वो पॉइंट है लिसन। अब बात करते हैं अलग की आवाज़ें, जो अलग की आवाज़ें होती हैं, जैसे कि जानवरों की आवाज़ें आ रही हो, है ना, बर्तनों के, है ना, गिरने पड़ने की आवाज़ें आ रही हो, है ना, पैरों की डालियाँ टूटने की आवाज़ें आ रही हो, या जो अलग आवाज़ें जिनमें कोई भाषा नहीं है, जिसमें कोई भी लैंग्वेज नहीं है, वो चीज़ होती है हियर, HEAR। तो आगे से उम्मीद करता हूँ आपको इन सभी वर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको दो तीन बातें और मैं बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है, मैं बाकी लोगों की तरफ चिल्लाकर तो नहीं बोलूँगा और रिक्वेस्ट करके कि भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा शेयर करना भाई मेरे, और कमेंट के ज़रिए ये बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि कमेंट से क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे इस प्रकार की और वीडियो बनानी चाहिए। ये वीडियो आपको कितनी पसंद आई जब ये मुझे पता चलता है, तो मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस बनाया करता हूँ, ताकि आपको और भी फायदे हो सके और भी आप इसका लाभ उठा सके। तो शेयर और कमेंट ना भूलना, सब्सक्राइब और लाइक को आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे टू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स।